हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा चैनल आरा वालों की रसोई में। पर आरा वालों की रसोई नहीं, अभी अलीगढ़ वालों की रसोई चल रही है। रसोई थोड़ा चेंज हो गई है और आज हम आपको सिखाएंगे वेज बिरयानी घर पे बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही इजी तरीका से, और वही टेस्ट मिलेगा जो आप बाहर जाके खाते हो। और आइए आपको हम दिखाते हैं हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो नॉर्मली बनाएंगे जो घर पे ही हमारे सब चीज मतलब मिल जाती है उसी की बनाएंगे। ये नहीं है हमें कुछ ज्यादा ही कुछ बाहर से जाके लाना पड़ेगा। हम 6 लोगों के करीब बना रहे हैं, कम और ज्यादा आप अपने तरीका से देख लेना। हमारे पास जो उबले हुए चावल पहले से ही रखे हैं, हमने ये नहीं है कि अभी उबाले हैं। जो चावल बच जाते हैं ना, उनकी भी जो बिरयानी बन जाती है आराम से। ये नहीं है कि हमें अभी चावल बनाने हैं, अभी बिरयानी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं। जो नॉर्मल चावल जो हम खाते हैं हमारे रात के मतलब बच गए हैं चावल, आज हम इन्हीं की जो बचे हुए चावल है ना, उन्हीं की वेज बिरयानी बना के आपको दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ये 5 से 6 लोगों के लिए बना रहे हैं हम। ये करीब 500 ग्राम चावल होंगे करीब। तो ये हमारे पास इतने चावल हैं उबले हुए हैं, जो मतलब खाते दाल वाल के साथ जो खाते हैं वही चावल हैं ये। और जो इसमें जो मसाले इनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है जे मैगी मसाला 2 पैकेट लिया था हमने, और ये है थोड़ा सा नमक है इन चावलों में, इसलिए हम थोड़ा कम नमक डाले हैं। और इसमें भी नमक होता है इसलिए हमने बहुत नमक कम ले रखा है। ये 1 चम्मच हमने नमक ले रखा है। और तड़के में डालेंगे ये है 1 चम्मच जीरा, और ये है बिरयानी मसाला जो हम मैगी मसाला लाते हैं वहां से भी, जो बिरयानी मसाला बहुत अच्छी तरीका मतलब आराम से मिल जाता है और इसी का टेस्ट आएगा बिरयानी में। और ये है अजीनोमोटो जो उसमें पड़ती है चाउमीन में, ये है जो मतलब मसाले हैं इसके। और इसमें वेजिटेबल पड़ेंगे उनको भी दिखाते हैं। ये है सोयाबीन की बरी 1 कटोरी ले रखी है, कम हो जाएगा तुम अपने हिसाब से कर लेना है। 3 से 4 बार अच्छी तरीका से भिगोगे धोकर मतलब साफ करके पानी में ये रख रखी है। और इसमें वेजिटेबल पड़ेंगे वो है 1 टमाटर, और ये है 2 करीब टमाटर होंगे, और 1 प्याज, और 100 ग्राम करीब जो मटर होगी, और 2 है शिमला मिर्च। और सब्जी तुम अपने हिसाब से और भी बढ़ा सकते हो, जैसे गाजर चल रही है, पत्ता गोभी, और भी इसमें सब्जी आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर लेना। जो हमारे पास सब्जी है बस इनको डालेंगे, और उसके बाद में डाल देंगे थोड़ा सा हरा। आइए आपको दिखाते हैं दूसरा स्टेप। पर आज स्टेप हमारी जो भाभी है छोटी, ये बना के दिखाएंगी। आज हम खाएंगे मेहमान इनके हाथ की, जो हमें वेज बिरयानी बना के खिला रही। खाली में बोल रही हूँ आपको जो कैसे बना रही है आप आज, मतलब ये बना के दिखाएंगी। आइए दिखाते हैं क्या बना कैसे करेंगी। ये मतलब गैस जला लिया, कढ़ाई रख दी इनके ऊपर, अब जब आपको बताएंगी कैसे मतलब बनाऊंगी। हमें तो आज बस बनी हुई इनकी खानी है यार। तेल कितना डाला है आपने? 50 ग्राम। हाँ, तो 1 चमचा करीब तेल डाला होगा इन्हें। तेल को अब थोड़ा गर्म होने दें। देखिए तेल हमारा अच्छी तरीका से गर्म हो चुका है। अब इसमें फ्राई करेंगे जो चावल। पहले डालेंगे हम जीरा, 1 चम्मच इन्होंने जीरा डाल दिया है इसमें। और जो जो दो प्याज, 2 प्याज डाल दिए उन्होंने। और ये टमाटर, टमाटर डाल दिए उन्होंने। चलो भूलो ने, और जो सोयाबीन की बरी है इनको भी निचोड़ के इसमें भून लूंगी। बरियों को अच्छी तरीका से इसमें भूने थोड़ा, जो भी जो और वेजिटेबल है वो भी इनमें डाल देंगे। शिमला मिर्च मटर जो भी है इनमें अच्छी तरीका से डाल के इनको भूनूंगी अभी। ये कितनी देर भूनना है इनको? 5 मिनट। 5 मिनट इनको भूनेंगी ये। आई दिखाते हैं आपको 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हमारी हो चुकी है, सब्जी हमारी भून चुकी है। और अब इसमें क्या डालोगी? अजीनोमोटो। इसमें डालेंगी अजीनोमोटो। अजीनोमोटो आपको पसंद हो तो डालो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अजीनोमोटो आप डालें इसमें, अगर आप खाते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको नहीं डालें। मसाले भी डाल। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे ये चावल। अब इसमें चावल डाल देंगे ये। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब लाइक करें करवाइए भी। और आप बताएं जी हमारी भाभी बिरयानी हमको मतलब कैसी बना के खिला रही है, या मुझको वैसी पागल बना रही है ये, आप जरूर बताएं। एक बार देख के वीडियो हमारी पूरी जरूर देखें। और मुझको आती हूँ तो इनके हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। और जिसमें डाल लेंगे ये जो बिरयानी मसाला है वो वाला बिरयानी मसाला डाल रही है, और ये है मैगी मसाला। मैगी मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
और इसमें जी एक चम्मच करीब नमक डाल दिया है इन्होंने, क्योंकि जो मसाले डाले हैं इनमें भी अपना ही नमक है, चावल बनाए थे इन्होंने तो वहां में भी थोड़ा नमक था। और नमक अब अपनी तरीका से कम या ज्यादा कैसा खाते हो मतलब वैसा ही नमक डाल ले। अब इनको जी अच्छी तरीका से इनमें भूनना ही है इनको। बिरयानी हमारी बनके बिल्कुल वेज बिरयानी बनके तैयार हो गई है, देखने भी बहुत अच्छी लग रही है ये, मतलब इसका जो कलर है वो मतलब वेजिटेबल है वो भी अच्छी तरीका से दिख रहे हैं। और भाभी अब इसमें क्या करना है, गैस बंद करनी है, बस गैस बंद करनी है और जो हमें टेस्ट करके अभी बताएंगे आपको हमारी भाभी के हाथ की बिरयानी मतलब कैसी बनी है। अच्छी बनी है मतलब टेस्टी है, बाहर की तो मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं घर की वाली जो बना के खाती मुझे बहुत पसंद आती है। और बिरयानी का खाना बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है सब्जी, और जो वेज बिरयानी से इनकी खासकर बहुत अच्छी लगती है। और आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मेरी वीडियो मेरे भाभी हाथ की बिरयानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। सच में बात सब में बहुत टेस्टी है, मेरी दीदी का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।